सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूं। देश के सामने आज की तारीख में एक बहुत बड़ा सवाल है और वो सवाल संकट है, आर्थिक संकट। मंदी है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में है। महंगाई ज़्यादा है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही हैं। बाज़ार में एक सन्नाटा पसरा हुआ है। अब इसको लेकर के सरकार और सरकार के मंत्रियों के अपने अपने तर्क हैं और विपक्ष का लगातार विरोध है और सरकार को घेर रहा है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि जो मौजूदा व्यवस्था है और जो देश में अर्थ संकट है वो किन कारणों से है, आम आदमी उसको कैसे समझे, सरकार दोषी है या फिर दुनिया में जो अभी हालात हैं उनके कारण हिंदुस्तान में इस तरह का संकट है। इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो मौजूदा आर्थिक संकट है जिसको लेकर के देश में कोहराम है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस समय जो अर्थव्यवस्था की बढ़ने की रफ्तार है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव हो गई है। और उसके पीछे वजह यह है कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो सिर्फ संगठित क्षेत्र को ही दर्शाते हैं, उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आते ही नहीं हैं। और असंगठित क्षेत्र ही पिट गया है पिछले 3 साल में, क्योंकि 3 बड़े धक्के उसको लगे। पहले तो लगा नोटबंदी का, फिर दूसरा लगा GST का और तीसरा लगा NBFC क्राइसिस का। तो 2016 नवंबर में, 2017 जुलाई में और 2018 सितंबर में ये 3 बड़े झटके लगे हैं, उससे वो उभर नहीं पा रहा है। और क्योंकि वहाँ पे 94% लोग काम करते हैं और 45% उत्पादन होता है, तो अगर आप 94% जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे जो रोज़गार कम हो जाए और 45% उत्पादन है वो कम हो जाए, तो उसका असर तो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही। तो शुरू में जो असर पड़ा वो असंगठित क्षेत्र में पड़ा, और नोटबंदी के दौरान तो इतना ज़बरदस्त असर पड़ा कि उस समय ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा आया, पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़े आए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े आए। उन्होंने सब ने दिखाया कि जो असंगठित क्षेत्र 30-40-50% गिर गया और वहाँ पर जो रोज़गार था वो कम हो गया और लोग फिर पलायन करके गाँव चले गए। और गाँव में फिर उन्होंने जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में काम मांगा, तो वहाँ पर इतना ज़बरदस्त जो डिमांड हुआ कि पहले 37,000 करोड़ रुपए जो अलॉटमेंट था बजट में तो 48,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया। फिर उसके बाद 48,000 करा तो जो 60,000 करोड़ रुपए हो गया। और RBI फिर भी कहा उसने कि सिर्फ 45 दिन का काम मिल रहा है, 100 दिन का काम नहीं मिल रहा। तो अगर पूरा 100 दिन का काम मिलता होता तो 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का खर्च उस पर हो जाता। तो ये दिखा रहा है कि लोग वापस गाँव से शहर नहीं आए वहाँ पर, क्योंकि जो काम जो मिल नहीं रहा है। तो ये दिखा रहा है कि नोटबंदी ने पहले धक्का मारा, उसके 8 महीने के अंदर अंदर GST आ गया। अब GST में सरकार कहती है कि हमने तो असंगठित क्षेत्र को बाहर रखा है, 40 लाख से कम पे रजिस्ट्री नहीं करनी, 40 लाख से 1.5 करोड़ पे आपका सिर्फ कॉम्पोजिशन स्कीम में सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, 1% टैक्स है। लेकिन उसने इसलिए धक्का मारा क्योंकि जब आप रजिस्टर नहीं करते या कॉम्पोजिशन स्कीम में हैं तो आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, आप इनपुट क्रेडिट दे नहीं पाते हैं तो आपका जब दाम बढ़ जाता है, तो डिमांड शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में। और मैं जो प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन मिस्टर जगन्नाथन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था 2018 अक्टूबर में, उन्होंने कहा कि हम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के 5 यूनिट हैं और 25 यूनिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, और हम 5 यूनिट बहुत खुश हैं क्योंकि डिमांड अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हमारी तरफ आ गई है, तो इसलिए हमारी बढ़त हो रही है, उनकी गिरावट हो रही है। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ कि असंगठित क्षेत्र में गिरावट और संगठित क्षेत्र में बढ़त, तो ये हुआ। फिर NBFC क्राइसिस से क्या हुआ कि जो लोन मिलता था जो छोटे छोटे यूनिट्स को, वो मिलना बंद हो गया, कंज्यूमर लोन मिलने बंद हो गए, उससे फिर असर पड़ा। तो शुरू में हुआ क्या कि संगठित क्षेत्र ने अच्छा किया तो इसलिए हमें लगा कि 8% की रफ्तार हो गई, पर लेकिन उसमें असंगठित क्षेत्र के आंकड़े आते ही नहीं हैं। और ये मान लिया जाता है कि असंगठित क्षेत्र उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है, तो ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि जब झटका लगा तो असंगठित क्षेत्र गिर रहा था, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा था। तो ये जो एजम्पशन था हमारा जो GDP कैलकुलेशन का, वो सही नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो आंकड़े आज सरकार देती है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र के हैं, और खासकर जो क्वार्टरली आंकड़े आते हैं वो तो सिर्फ 300-400 कॉर्पोरेट सेक्टर के आंकड़े होते हैं, क्योंकि बाकी कोई आंकड़े होते ही नहीं। तो यानी कि पूरे संगठित क्षेत्र के भी आंकड़े नहीं होते। तो हम जब कहते हैं 5.8% है, 5% है, 4.5% है, वो सिर्फ संगठित क्षेत्र की बढ़त है,
उसमें अगर आप जोड़ लें कि असंगठित क्षेत्र कम से कम 10% गिर रहा है, तो 45% अगर 10% गिर रहा है तो इस समय रेट ऑफ ग्रोथ -1% है। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात अरुण जी कह रहे हैं। अरुण जी का कहना ये है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसमें जो भी ग्रोथ है उसके आधार पर हम अपनी GDP की ग्रोथ रेट को देखते हैं, असंगठित क्षेत्र के हालात को लेकर के हम GDP में कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अभी जो दूसरी तिमाही है जिसमें 4.5% का ग्रोथ रेट है, और यही दूसरी तिमाही जो पिछले साल था उसमें 7% का ग्रोथ रेट था, यानी कि उस समय 7% 7 वर्ष पहले और अभी 4.5%। अरुण जी का कहना ये है कि यह 4.5% भी जो है वो चूंकि आप कॉरपोरेट सेक्टर को देखते हैं इसलिए है जो असंगठित क्षेत्र हैं, ये मजदूर हैं, किसान हैं, कामगार हैं, कारीगर हैं, ये जो इधर उधर हमारे आपके यहाँ काम करते हैं यह भी उसमें आते हैं और इनका रोज़गार भी छिनने लगा है। दरअसल आपके पास पैसा नहीं है तो आप बाज़ार में जाकर सामान खरीद नहीं रहे हैं, सामान खरीदते नहीं हैं तो सामान बनता नहीं है, सामान बनता नहीं है तो फैक्ट्रियों को बिजली की ज़रूरतें नहीं होती हैं तो बिजली की भी मांग कम हो गई है। तो यह पूरा जो है एक तरह का संकट खड़ा हुआ है जिसकी चर्चा अरुण जी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कारण आपको क्या दिख रहा है? यही दो जो आपने बताया कि आपने नोटबंदी कर दी, आपने GST, ये दोनों जल्दबाजी में लिए गए फैसले थे, या फिर कुछ और भी है? मुख्य कारण यही है, क्योंकि आप अगर देखें तो हुआ क्या कि पहले डिमांड शिफ्ट करी असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में, तो संगठित क्षेत्र में लगता है बढ़त हो गई। तो जो आपने कहा 7% एक साल पहले था या नोटबंदी के समय सरकार कहती कि 8% की रेट ऑफ ग्रोथ हो गई थी, वो सिर्फ संगठित क्षेत्र को दर्शाता है, असंगठित क्षेत्र को नहीं दर्शाता, क्योंकि क्वार्टरली आंकड़ों में सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के ही आंकड़े आते हैं, बाकी जो संगठित क्षेत्र के भी आंकड़े नहीं आते हैं। अब हुआ क्या है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र इतना बड़ा है तो डिमांड उससे कम हो गई, और वो जो डिमांड की कमी है वो अब संगठित क्षेत्र में भी आ गई एक साल से। इसीलिए एक साल से आप देखेंगे कि 6 क्वार्टर पहले जब 8% की रफ्तार थी, अब वो गिरते गिरते 4.5% हो गई है। तो यानी कि संगठित क्षेत्र में भी डिमांड की कमी आ गई है, और इसीलिए आपने देखा कि FMCG है वहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया है, आपने देखा कि जो फ्रेट जो ट्रैफिक है रेलवे का वो कम हो गया है, रिटेल ट्रेडर्स कह रहे हैं कि उनका जो माल बिकना कम हो गया है। फिर आप देखें तो और भी सेक्टर्स हैं जैसे कि केमिकल्स हैं, जैसे कि कारों के उत्पादन है, जो ट्रैक्टर्स का है, जो बाकी और हैं। तो हुआ क्या कि असंगठित क्षेत्र में जब 94% पे धक्का लगा तो उसका असर पड़ा खाने पीने की डिमांड पे, है ना, तो उससे फूड प्राइसेस गिर गए और किसानों की आमदनी कम हो गई। तो किसानों की आमदनी कम होने से किसान जो डिमांड करते थे संगठित क्षेत्र से उसकी डिमांड कम होने लगी। तो कुल मिला के जो अब ये जो क्राइसिस है वो संगठित क्षेत्र में भी आ गया है। पर मेरा मानना है कि इसी के चलते हुए हमारा रोज़गार में परेशानी है, हमारे उत्पादन में परेशानी है और इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि RBI ने बताया कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिरता जा रहा है और वो 72% पे आ गया है। जब इंडस्ट्री का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करके वो क्या करेगा? क्योंकि जैसे अगर मारुति है, अगर वो 100 कार प्रोड्यूस कर सकता है, बना सकता है और सिर्फ 70 बिक रही हैं, और फिर आप उससे कहिए कि 20 कार का और कैपेसिटी डाल दो, तो उसकी तो 50 कार नहीं बिकेंगी, उसका लॉस और बढ़ जाएगा। तो जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर नहीं होता तब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 5 उसमें कट किए गए इंटरेस्ट रेट RBI से, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट तो तभी जब फ़ायदा देगा कट जबकि आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव करेगी। उसी तरह सरकार ने 1.45 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को कॉर्पोरेट टैक्स में कट करके, पर उसका भी कोई असर नहीं होगा जब तक कि उनका सेल्स नहीं बढ़ेगा। उनका प्रॉफिट तो बढ़ गया, स्टॉक मार्केट उछाल में आ गया, लेकिन उससे डिमांड नहीं बढ़ रही है। तो डिमांड तो तभी बढ़ेगी जब नीचे के लेवल पे परचेजिंग पावर होगी, उस जब आप रोज़गार पैदा करेंगे, जब वहाँ पे जो खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तभी होगा। लेकिन अरुण जी फिर रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि आपको नीचे के लेवल पे जो लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में, उनकी आमदनी बढ़ानी है। आपने भी कॉर्पोरेट सेक्टर की आमदनी बढ़ा दी, अब जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं वो तो जो उनको खपत करनी होती है उसके लिए कोई कमी नहीं होती है, वो तो खपत करते रहेंगे। आप उनको 100 रुपये देंगे तो 100 रुपये बचा लेंगे, लेकिन एक गरीब आदमी को 100 रुपये देंगे तो एक कटोरी और ख़रीद लेगा, वो एक स्कूल का बैग और ख़रीद लेगा, वो कुछ चप्पल और ख़रीद लेगा, वो कुछ और खर्चा करेगा, तो कंजम्पशन की डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने इतना जो कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया उससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है लेकिन उससे डिमांड नहीं बढ़ रही। अगर यही काम हम करते कि हम वहाँ न करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में डाल देते पैसा, कि जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, टेलीकॉम है, या हम डाल देते शिक्षा में या स्वास्थ्य में, क्योंकि वहाँ पे स्कूलों की कमी है या टीचरों की कमी है, या वहाँ पे जो डिस्पेंसरी नहीं है या डिस्पेंसरी में फैसिलिटीज़ नहीं है,
तो उससे रोजगार पैदा होता, वो जब रोजगार पैदा होता तो उससे डिमांड बढ़ती। तो नीचे के लेवल पे खासकर रूरल एरियाज में हमें डिमांड क्रिएट करनी है। तो ये जो अभी कंसेशन दिए गए करीब 2.25 लाख करोड़ के, वो वहाँ जाते उसमें एक्सपेंडिचर होता। जैसे MGNREGS का मैंने कहा कि वहाँ पे सिर्फ 45 दिन का काम मिल रहा है, वहाँ पे 100 दिन का काम मिलता होता तो फिर जो और ज़्यादा वहाँ पे जब परचेजिंग पावर पैदा होती और उससे फिर डिमांड बढ़ती, उससे फिर हमारी इंडस्ट्री में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन राइज करती और फिर इन्वेस्टमेंट राइज करता। अभी तो हमारा इन्वेस्टमेंट 2012-13 में पीक पे था 36-37% पे, अब वो गिर के 30% रह गया है। तो जब तक वो नहीं बढ़ेगा तब तक वो होगा नहीं, और जब तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ेगी तब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। पर अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया है, हालांकि हमने 1.76 लाख करोड़ रुपया RBI से ले लिया है, पर उसके चलते हुए भी हमारा फिस्कल डेफिसिट बेतहाशा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब अर्थव्यवस्था मंदी पा जाती है तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है, GST में कमी आ गई, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कमी आ गई। सरकार ने तो बजट में अस्यूम कर लिया था कि 12% की बढ़त होगी और बढ़त हो रही है सिर्फ 6% की ऑफिशियली, और मेरे हिसाब से तो बढ़त हो ही नहीं रही है क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव हो गया है। तो इसलिए टैक्स कलेक्शन कम रहेगा तो फिर आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिर आपका GDP कम रहेगा तो उससे और फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो फिस्कल डेफिसिट पिछले साल 8.8% के आसपास था, वो इस समय करीब 11% की रफ्तार से चल रहा है। तो अभी फिस्कल स्पेस नहीं बची कि सरकार और एक्सपेंडिचर कर पाए, तो इनको टैक्स कट करने की जगह एक्सपेंडिचर बढ़ाने चाहिए थे, और उससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता तो डिमांड बढ़ती। अरुण जी बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं, दो तीन बातों को मैं सिलसिलेवार तरीके से रखता हूँ, फिर मेरा अगला सवाल जो होगा वो बड़ा और बुनियादी सवाल है। अरुण जी का कहना ये है कि पैसा जो है आपने इस संकट से निकलने के लिए ऊपर दे दिया, यानी कि आपने उद्योगों को रियायत दे दी। अगर आपने इस पैसे को नीचे लगाया होता गाँव के विकास में, वहाँ तरक्की के लिए, स्कूलों में, शिक्षा पर, सड़कों पर, नहर पर, तो वहाँ के लोगों के पास ये पैसा जाता। जब वहाँ पैसा जाता तो बाज़ार से सामान खरीदता अपने घर के लिए, अपने लिए। जब सामान खरीदता तो फिर इन लोगों का सामान बनता और बिकता। अब आपने इनको पैसे दे दिए और कहते हैं कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को बढ़ाओ, सामान मेरा बिकता है 60 और हम बनाते हैं 100, फिर हम बनाए 120, बिक रहा है 60, तो फिर मेरे उस बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। यानी कि पैसा यहाँ जो गया उसको नीचे आना चाहिए था, मुझे लगता है कि आप यही कह रहे हैं। और दूसरी बात, अब अरुण जी का कहना ये है कि सरकार को दरअसल अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए और वो वहाँ बढ़ाना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। इस संकट से दो तीन बातें लगातार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि दुनिया में जो हालात अभी हैं उन हालात की वजह से, जो चाइना अमेरिका का ट्रेड वॉर है उसकी वजह से हिंदुस्तान में हालात हैं, सरकार की नीतियों की वजह से और भारत की स्थितियों की वजह से ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार दो तरह की बात करी, एक तो ये कह रही है कि ये लेगेसी इशू है, यानी कि जो UPA के दौरान हुआ उसकी वजह से आज संकट है, और दूसरा कह रही है कि ये हमारी गलती नहीं है क्योंकि ये बाहर से आ रहा है, बाहर मंदी हो रही है इसलिए हमारे यहाँ भी वो मंदी के आसार नज़र आ रहे हैं। दोनों ही बातें सही नहीं हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 6 साल में हमारी अर्थव्यवस्था 3 बार 8% की रेट ऑफ ग्रोथ से बढ़ चुकी है। तो यानी कि अगर लेगेसी इशू होता तो एक बार भी 8% नहीं छूती। तो ये झटका जो लगा है, जैसे मैंने कहा नोटबंदी का झटका लगा, फिर GST का झटका लगा, फिर NBFC का, ये तो हमारे इंटरनल कारण है। दूसरी बात कि हमारा जो मंदी है वो नोटबंदी से 3 साल पहले शुरू हुआ, तब तक तो कोई ट्रेड वॉर नहीं थी, तब तक कोई और परेशानी नहीं थी। तो इसलिए ये भी कहना कि बाहर के ट्रेड वॉर की वजह से ये समस्या है या बाहर स्लो डाउन है इसलिए हमारे यहाँ स्लो डाउन है, ये दोनों बातें सही नहीं हैं। और मेरा मानना है कि जो आज हमारी अर्थव्यवस्था है वो जो बाहर से जब झटका लगेगा, अभी तो लगना शुरू हुआ है, उससे अब उसको डील करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 2008 में तो अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ थी, 8% की रफ्तार से बढ़ रही थी, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट वह 3% था और हमारा बैंकिंग सिस्टम बड़ा साउंड था उस समय। अभी तो बैंकिंग सिस्टम में NPA बहुत है, NBFC का क्राइसिस है, फिर हमारी अर्थव्यवस्था जो नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ है ना कि 8% की रेट ऑफ ग्रोथ है, और हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत धराशायी हो चुका है। तो अब हमारा अगर एक्सटर्नल जो शॉक और आएगा तो उससे तो हमारी अर्थव्यवस्था की हालत और ख़राब जाएगी। तो अभी तक तो ये नहीं कह सकते कि बाहर की वजह से हमारा जो अर्थव्यवस्था में गिरावट है, पर अगर बाहर की गिरावट आई तो अब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत धराशायी हो जाएगी।
सरकार की तरफ से मौजूदा जो आर्थिक संकट है उसके लिए जो कुछ भी तर्क दिया जाता है, जो कारण गिनाए जाते हैं, अरुण जी ने उनका जवाब दिया है। मुझे लगता है कि बहुत मजबूत जवाब है। अरुण जी का जो सुझाव है सरकार को और सरकार में बैठे अधिकारियों को सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि यह अगर सुझाव माना जाता है तो बहुत हद तक हम इस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। सरकार दो बातें कहती है और उस वो दोनों उसके बड़े एजेंडा का हिस्सा हैं। पहला कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना हो जाएगी और दूसरा कि 2024 तक जब अगला चुनाव होगा तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जो अभी के हालात हैं उनमें इन दोनों बातों की गुंजाइश या उम्मीद आपको कितनी दिखती है? अभी तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए, किसानों की आमदनी तो गिर गई थी नोटबंदी के बाद, अब उस गिरावट से आपको दुगना करना है तो ये तो असंभव है। और दुगना अगर आपको करना है 5 साल में तो आपका करीब करीब 15-16% का रेट ऑफ ग्रोथ होना चाहिए। तो जब गिरावट थी और वहाँ से आपको 15-16% की बढ़त करनी है तो इसका मतलब कि आपका आखिर में 30% की बढ़त होनी चाहिए। ऐसा तो दुनिया में किसी अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ है कि 30% की बढ़त हो जाए। उसी तरह अगर हमको GDP डबल करना है तो अभी तो हमारी रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव चल रही है और अगर हमें आखिरी साल में अचीव करना है डबलिंग तो हमें फिर 30-32% की रफ्तार चाहिए जो कि दुनिया में नहीं हुआ। तो इसलिए अभी तो कोई आसार नज़र नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है 10-12 साल में हमारा अर्थव्यवस्था डबल हो जाए, पर आज की बढ़त के हिसाब से तो 2024 में जो अर्थव्यवस्था का डबल होना या 2022 तक किसानों की आमदनी डबल होना, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। अरुण जी के ज़रिए एक आम आदमी के लिए, हिंदुस्तान का जो आम आदमी है वो इस अर्थव्यवस्था के संकट को सरकार और विपक्ष इन दोनों की बातों से इतर कैसे समझ सके और उसके कारण क्या हैं वाजिब वो जान सके, इसी की कोशिश बातचीत में मैंने की है। अरुण जी, आपने समय निकाला, बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ मैं और कह दूँ कि सरकार ने कहा कि हम 100 लाख करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 साल में, तो अगर वो कर पाते होते तो बहुत बड़ा असर होता। लेकिन अगर आप बजट को देखें तो सेंट्रल बजट में काट दिया, पिछले साल 9.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्मेंट था कैपिटल फॉर्मेशन और अब वो 8 लाख करोड़ हो गया, जबकि आपको एवरेज में 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो यानी कि आखिरी साल में तो आपको 32 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होना पड़ेगा तब जाके एवरेज का 20 लाख, जो मतलब 5 साल में उसको 4 गुना करना, ये तो बहुत ही नामुमकिन है। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये भी सपोर्ट नहीं करता कि हमारी अर्थव्यवस्था डबल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।